तो फ्रेंड्स, अगर आप भी चाहते हैं घर पर प्रोजेक्टर बनाना और एक्सपेक्ट करते हैं वीडियो में काफ़ी अच्छी क्वालिटी आए, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा किस तरीके से जो मैंने इसे बनाया और काफ़ी जो अच्छी क्वालिटी आ रही है। वो बात अलग है कि यहाँ पर जो कैमरे काफ़ी कम जो है क्वालिटी आपको जो है महसूस हो रही होगी, लेकिन यहाँ पर जो है रियलिटी में बहुत ही अच्छी जो है क्वालिटी आ रही है। ये बहुत ही अच्छा जो है लेंस का उपयोग किया है और इसी लेंस की मदद से जो है काफ़ी अच्छी जो है वीडियो मुझे निकल के आ रही है। तो चलिए वीडियो को शुरू से शुरू करते हैं। मैं हूं सुपर, आप देख रहे हैं सुपजी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं यहां पर जो रोजाना ऐसी वीडियोस डालता रहता हूं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पर जो मैंने काफी पुराने फोन का जो यूज किया है और कीपैड वाले जो फोन का यूज किया है, इस तरीके का जो आपको फोन उठा लेना है लेकिन चलता हुआ जो फोन होना चाहिए। तो इसके जो मैंने पहले से पेज वगैरह खोल लिए थे और इसे जो मैं डायरेक्टली ओपन कर रहा हूँ। तो इस तरीके से आप जो इसे ओपन कर लीजिए, काफी जो है आपको सावधानी बरतनी है। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। यहाँ पर जो आपको डिस्प्ले जो भी फोन की रहती है, इसे जो काफी केयरफुली आपको जो है इसे निकालना है। इस तरीके से आप जो इसे निकालेंगे और यहाँ पर जो आपको बिल्कुल भी इस डिस्प्ले में बिल्कुल भी क्रैक नहीं आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो थोड़ा सा भी डिस्प्ले में क्रैक आता है तो आपकी जो है आपका जो है प्रोजेक्टर बिल्कुल ही बेकार हो जाएगा। तो इस तरीके से सावधानी पूर्वक आप जो है अनवांटेज चीजें जो है हटा देंगे और जो डिस्प्ले में जो पारदर्शिता जो रहती है, जो दिखता है, उस तरीके से आपको जो उस डिस्प्ले को आपको जो है निकाल लेना है। तो मैंने जो है डिस्प्ले को सक्सेसफुली इससे निकाल लिया है और आप देख ही सकते हैं बिल्कुल आर पार जो है यहाँ पर जो है मेरी उंगलियां शो हो रही हैं। तो इसे जो ओपन करते हैं तो यहाँ पर जो है डिस्प्ले चलना चालू हो जाती है। और अगला आपको जो है करना क्या है ये भी आपको मैं बता देता हूँ। प्रोजेक्टर बनाने के लिए आपको जो क्या क्या जरूरत पड़ने वाली है, यहाँ पर जो मैं आपको बताना, जो एक पुराने से फोन की जो आपको जरूरत पड़ने वाली है, उसके बाद जो आपको एक लेंस, जी हाँ फ्रेंड्स, ये यही जो लेंस है बहुत ही महत्वपूर्ण लेंस है। और ये जो लेंस मैंने आपको जो है बताना चाहूंगा, ये किसी भी आपके जो है फोटोग्राफर वाली जो है दुकान पर आपको जो मिल जाएगा, आप जो कहीं से भी ले सकते हैं, मैग्नीफाइड लेंस भी कह सकते हैं। यहाँ पर जो आप किसी भी शॉप से भी खरीद सकते हैं। यहाँ पर जो आपको हैंडल वाला जो है लेंस का भी उपयोग कर सकते हैं। मैं यहाँ पर जो है इस कैमरे वाले लेंस का उपयोग इसलिए कर रहा हूँ, काफी जो है अच्छी क्वालिटी वीडियो में आने वाली है। इसके बाद जो आपको एक लाइट की जरूरत पड़ने वाली है, कोई भी LED आप जो है लाइट ले सकते हैं। ये जो है मुझे 20 रुपए की पड़ी हुई है और ये जो लेंस मैंने लिया है ये सेकेंड हैंड लेंस है किसी कैमरे का, एक फोटोग्राफर वाली जो है दुकान से ये लेंस ले लिया था और ये जो है मुझे केवल 20 रुपए में पड़ा हुआ है। हैवी लाइट लेनी है, कोई भी आप जो है LED लाइट ले सकते हैं। आप जो है कोई भी CFL लाइट भी लगा सकते हैं, LED बल्ब भी लगा सकते हैं। मैं यहाँ पर जो इस लाइट का उपयोग करने वाला हूँ। अच्छा, ये जो चीजें हैं ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इनकी जगह पे आप जो किसी भी गत्ते का उपयोग कर सकते हैं। ये जो मेरे पास पुरानी कोई डिस्प्ले पड़ी हुई थी उसी में से मैंने ये जो है दोनों चीजें निकाल ली है। इन दोनों का यूज भी मैं आपको जो आने वाले वीडियो में बताने वाला हूँ। कोई भी खास उपयोग नहीं है जी फ्रेंड्स, आप देख लेंगे तो आप भी जो है जान जाएंगे। इसके बाद जो आपको ब्लैक टेप की जो है जरूरत पड़ने वाली है, तो चलिए आपको जो अगले स्टेप में आपको जो दिखा देता हूँ। अब इसके बाद जो आपको एक बॉक्स की जो है जरूरत पड़ने वाली है, आप जो कोई भी बॉक्स का उपयोग कर सकते हैं। मैं यहाँ पर जो है स्लीपर्स वाले जो है बॉक्स का यूज करने वाला हूँ। इसके बाद जो आपको बॉक्स में लेंस के लगाने के लिए जो आपको जो इसे कट कर लेना है, आप जो है अपने लेंस के मुताबिक आप जो इस एरिया को कट करेंगे। और यहाँ पर जो आपको देखने को मिल रहा होगा, मैंने साइड से भी जो है बॉक्स में कट लगा रखे हैं, काफी जो है थोड़ा भाग लगाया है जिससे कि काफी अच्छी जो वीडियो की क्वालिटी प्रोड्यूस करे। तो मैंने जो पहले से इसका जो है गोड़ा भाग लगा लिया था और आप जो है खुद ही पहले से ही ट्राई करके देख लीजिएगा, बाहर ही आप जो है ट्राई करके देख लीजिए, इसके बाद ही जो है आप बॉक्स में फिट करिएगा। तो पहले आप जो ट्राई करके देख लीजिएगा, इसके बाद ही जो है आप बॉक्स में ट्राई करिएगा। ऐसा नहीं कि आप जो डायरेक्टली आप जो है बॉक्स में लगा देंगे और आप जो है प्रोजेक्टर बन के तैयार हो जाएगा। मैंने जो काफ़ी मेहनत की है इस प्रोजेक्टर को बनाने में और ये जो काफ़ी जो हैवी क्वालिटी का वीडियो प्रोड्यूस करता है। यहाँ पर जो मैं इस लाइट का यूज इस प्लेट पर लगाने वाला हूँ, यहाँ पर जो प्लेट को यहाँ पर इस बॉक्स में लगा देता हूँ। यहाँ पर जो डीप टॉप मिलता है, अगर आपका जो है लाइट में डीप टॉप नहीं लगा हुआ है तो आप जो है मार्केट से भी अलग से डीप टॉप खरीद सकते हैं और इस तरीके से जो है प्लेट पर डीप टॉप लगा देंगे। यहाँ पर जो है इस तरीके से आप जो लाइट को फिट कर देंगे। जो है दूसरा मेरे पास जो ग्लास है यहाँ पर जो है इसे लगा दूंगा, इसके ही ऊपर जो है फोन की जो डिस्प्ले मैंने जो तैयार की हुई है इसके ही ऊपर जो है लगाने वाला हूँ। अनवांटेड जो है जगह रह जाती है, जो भी LED लाइट की जो फॉक्स पड़ेगा डिस्प्ले से अलग जो है होकर ना गुजरे। तो यहाँ पर जो आप ब्लैक टेप का यूज करेंगे, यहाँ पर जो नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ जो है गत्ते का उपयोग किया है जिसकी मदद से जो है लाइट बिल्कुल भी डिस्प्ले से ऊपर या नीचे नहीं जाने वाली है, इसके डिस्प्ले के अंदर से ही जाने वाली है, तभी आपकी जो क्वालिटी काफी अच्छी आएगी। लास्ट में आपको जो है लेंस आपको जो है यहाँ पर एडजस्ट कर देना है और लेंस को एडजस्ट करने से पहले आपको जो है इसे
सही तरीके से आप जो है साफ कर लीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सा भी गंदा रहता है आपकी जो वीडियो काफी बद्दी जो है आपको देखने को मिल सकती है। तो इसे जो आपको अच्छे से साफ करके ही लगाएं। चलिए इसे जो मैंने फिट कर दिया है और इसके बाद जो है मैं जो है वायर लगा देता हूं और इसे जो है ट्राई करके देखते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, रिजल्ट आपके सामने काफी जो अच्छी वीडियो निकल के आ रही है। कैमरे में आपको जो देखने को मिला है वो काफी जो लो क्वालिटी आपको जो महसूस हो रही होगी, लेकिन फ्रेंड्स मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताना चाहूंगा काफी जो अच्छा सीन देखने को मिल रहा है। तो फ्रेंड्स वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।